मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। वो लोग जुमलेबाज हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। 2020 के चुनाव में बैरिस्टर साहब हर जगह चीख चीख कर गला फाड़ फाड़ कर ये वादा किए। साढ़े तीन साल में आपने देख लिया, 5 विधायक जीत भी गए, 4 आदमी उनका छोड़ के चले गए। उनका तो ये भी वादा था केरागाज में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, अमोर में अवेसी हॉस्पिटल खोलाएंगे, एएमयू किशनगंज सेंटर को केंद्र से फंड दिलाएंगे, सीमांचल को स्पेशल पैकेज आर्टिकल। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों के का ऐलान कर चुका है। अब नामांकन पर्चा भरने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में दूसरे फेज के लिए बिहार के सबसे हॉट सीट किशनगंज पर मुजाहिद आलम ने जदयू प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पर्चा भरा। इस मौके पर मुजाहिद आलम ने दावा किया कि इस बार MIM और कांग्रेस की नहीं चलने वाली है, जदयू के पक्ष में जनता वोट करने वाली है। जदयू के नेता नीतीश कुमार ने बिहार में जो कुछ काम किया है उसके बल पर जदयू को जनता चुनने वाली है। हम आपको ये बताते चलें कि किशनगंज की सीट, वहाँ सिटिंग कैंडिडेट जो हैं वो कांग्रेस के हैं और इस बार MIM की तरफ से अख्तरुल इमाम वहाँ से चुनौती देने वाले हैं। तो बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है किशनगंज की लड़ाई। सबसे पहले तो हम आपको ये सुनाते हैं कि मुजाहिद आलम ने नामांकन पर्चा भरने के बाद क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आप सब लोग जानते हैं कि जब मैं राजनीति में सितंबर 2010 में प्रवेश किया तो उसी दिन अपना घर परिवार छोड़कर पूरी आवाम जनता को अपना परिवार मानकर उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर काम कर रहा हूँ, चाहे पद में रहूँ नहीं रहूँ। और जहाँ तक विकास के मामले में मुझे जो अवसर मिला 6 साल 4 महीने में, वो आप जान लीजिए, 225 करोड़ की योजनाओं को एक विधानसभा में उतारा, जो कि एक बिहार के लिए कीर्तिमान है। अगर मुझे यहाँ की जनता मौका देती है, किशनगंज जिला विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना ये मेरा काम होगा, क्योंकि बिहार में NDA की सरकार है, केंद्र में NDA की सरकार है, जो लंबित बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ डबल इंजन की सरकार को आपका लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। मैं कोचाधामन में इतना विकास इसलिए कर सका क्योंकि मैं बिहार में जो है जो सत्ता में थे जनता दल यूनाइटेड, माननीय नीतीश कुमार के पार्टी में था, इसलिए 225 करोड़ रुपए की योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं, चाहे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल हो, किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो, डाइट में बॉयज गर्ल्स हॉस्टल हो, माइनॉरिटी हॉस्टल हो, 155 करोड़ का रोड हो, 100 करोड़ का रोड हो, असुरा चैनपुर बांध हो। सर, पूर्व में एक प्रत्याशी ने कोचाधामन में रेलवे प्लेटफॉर्म स्टेशन खोलने का दावा किया था, कहीं ऐसा तो आपका भी दावा नहीं रहेगा? मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। वो लोग जुमलेबाज हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। उनका तो ये भी वादा था केरागाज में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, अमोर में अवेसी हॉस्पिटल खोलाएंगे, AMU किशनगंज सेंटर को केंद्र से फंड दिलाएंगे, सीमांचल को स्पेशल पैकेज आर्टिकल 371 के तहत दिलाएंगे और सुरजापुरी मुस्लिम बरादरी को केंद्र सरकार की OBC लिस्ट में शामिल करेंगे। 2020 के चुनाव में बैरिस्टर साहब हर जगह चीख चीख कर गला फाड़ फाड़ कर ये वादा किए। साढ़े तीन साल में आपने देख लिया, 5 विधायक जीत भी गए, 4 आदमी उनका छोड़ के चले गए कि ये सब जुमला। तो चलिए, हम आपको ये बता रहे थे कि किशनगंज की लड़ाई बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। इस बार तीनों ही प्रत्याशी मुस्लिम समाज से होंगे। अख्तरुल इमाम जहां MIM के कैंडिडेट होंगे, वहीं मोहम्मद जावेद जो सिटिंग कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, वही वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और अब ये मुजाहिद आलम ने जदयू की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पर्चा भर दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार किसे वोट करेगी, क्या वोटों का बंटवारा हो जाएगा या एक तरफा वोट पड़ेंगे। हालांकि अख्तरुल इमाम कहते रहे हैं कि इस बार जनता एक तरफा वोट करेगी और MIM के पक्ष में वोट पड़ेगा, लेकिन देखना होगा कि वहाँ क्या कुछ होता है। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, हर अपडेट सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार,
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।